आओ बेटे हम लोग शुरू करें अपनी आज की क्लास। सारे बच्चे फटाफट से जोश के साथ में वीडियो ऑन करके। बस जी एक दो दिन थोड़ा सा बीच में गैप लिया और रेस्ट हो गए फुल चार्ज। आओ जी शुरू करते हैं बेटे। चैप्टर अपना कौन सा चल रहा था? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने क्या क्या देखा, आइए एक बार छोटा सा रिकॉल, एक बार छोटा सा हम लोग रिकॉल करते हैं जी। और कहाँ है जी, ये हमने कर लिया फुल स्क्रीन पे। आओ बेटे अभी तक हमने फाइनल अकाउंट में क्या क्या देखा। हमने देखा बेटे फाइनल अकाउंट में जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट में, इसमें हमने कहा था कि भाई यहाँ पे ना दो तरह की चीजें हैं। क्या क्या हैं? दो तरह के फाइनल अकाउंट, एक है विदाउट एडजस्टमेंट और एक है विद एडजस्टमेंट। हम लोग विद एडजस्टमेंट पे थे और हमने पहले मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट लिखा था, फिर हमने एक लिस्ट बनाई थी और बेटे हमने शुरू हो गए थे हम लोग। लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट हमने जब बना ली थी तो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट में मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स थी ऐसी। क्या कहा मैंने बेटे, कौन कौन सी एडजस्टमेंट थी ऐसी जो हमने कर ली थी, कौन कौन सी एडजस्टमेंट थी ऐसी जो हमने कर ली थी। एक बार फटाफट से निशान लगाएंगे सारे बच्चे। लो जी बेटे निशान लगाओ फटाफट से। हमने कर ली थी डेटर वाली एडजस्टमेंट, हमने कर ली थी बेटे डेटर्स वाली एडजस्टमेंट, और हमने कर ली थी बेटे क्रिएटर्स वाली एडजस्टमेंट, हमने कर ली थी बेटे क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाली एडजस्टमेंट, ये हमने ये वाली एडजस्टमेंट कर ली थी। आइए जी आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स को लेकर के। मैंने आपसे बताया था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के बारे में लास्ट क्लास में बेटे। लास्ट क्लास में जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के बारे में आपको बताया था, आइए जरा, मतलब पिछली क्लास हमारी 24 मई को हुई थी तो हमने बात की थी जी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के बारे में। आइए क्या क्या बातें हुई थी जी, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के बारे में मैंने आपसे बोला था कि बेटे क्लोजिंग स्टॉक भी। हाँ एक बागवान फिल्म मैंने देखने को बोला था, मैंने कहा बागवान फिल्म का आप ट्रेलर जरूर देख के आना। हाँ मम्मा अपने मम्मा डैडी के सामने मत देखना वरना आपको बहुत शक की निगाह से देखेंगे, वो कहेंगे कि ये कल को ये नालायक पता नहीं कैसा निकलेगा। हाँ यार आ जाओ तो अकेले में देखना, वहां पर हमें सिर्फ अपने काम की चीज देखनी। काम की चीज मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। चलिए जी हाँ मेरे भी मम्मी डैडी ने जब देखी थी तो पिताजी मुझ पर शक की निगाह से देख रहे थे, तू भी कल को ऐसा निकलेगा नालायक। मैंने कहा नहीं नहीं मेरी तरफ ऐसे टेंशन भरी नजरों से मत देखो। हाँ याद है वो एग्जांपल, मैनेजर ने कहा था कि बताओ मैं क्या करूं तो वहां पर बेटे क्या था, स्टॉक विद कस्टमर की हमने बात की थी, है ना, ये हमने बातें कर ली थी। अब यहाँ पर क्या होता है बेटे, इसी एडजस्टमेंट में क्या कहा मैंने, इसी एडजस्टमेंट में कई बार ना क्वेश्चन हमें इनमें से एक चीज बता देता है। वो बता देता है हमें या तो सेल्स प्राइस बता देता है, और क्या कहता है कि भैया सेल प्राइस में इतने परसेंट प्रॉफिट है, और हमें ये ढूंढना हो जाता है कई बार, कॉस्ट को हमें ढूंढना पड़ जाता है। या इसका उल्टा होता है, क्वेश्चन हमें कॉस्ट बता देता है और हमें सेल्स प्राइस ढूंढने के लिए मेहनत कराता है। तो आइए बेटे अगली एडजस्टमेंट हमारी वही है जहां पर मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था सर, कि भाई एक एडजस्टमेंट है हमारी कौन से वाली, ये वाली लास्ट में, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। इसको तबियत से कीजिएगा, पता नहीं कितनी ही जगह चैप्टर में काम आने वाली है, कंसाइनमेंट के चैप्टर में, जॉइंट वेंचर के चैप्टर में, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में, और भी इक्का दुक्का जगह पे ये पूछी जाती है। तो बेटे इसको तबियत से करना। आइए हम करते हैं फिर फटाफट से एडजस्टमेंट नंबर 17। लेट्स स्टार्ट एडजस्टमेंट नंबर 17। हेडिंग डालिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन
ऑन वन एंड फाइंडिंग अनदर वन. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिविंग ऑन वन एंड फाइंडिंग अनदर वन, मतलब या तो प्रॉफिट सेल पे देगा और कॉस्ट पे पूछेगा, या फिर प्रॉफिट कॉस्ट पे देगा और सेल्स पे पूछेगा. ठीक है, आइए एक एग्जांपल के जरिए हम लोग बात समझते हैं. लेकिन एग्जांपल पे आगे आने से पहले एक मैं यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला आपका डेवलप करा देना चाहता हूँ. बेटे फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना होगा क्या, कि चाहे किसी भी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे, क्या कहा मैंने बेटे, चाहे क्वेश्चन हमारे से किसी भी तरह से पूछे, अंदर की बात तो बस एक ही रहेगी. क्या सर? मैंने कहा बेटे जो हमारी कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, हाँ जी, उसमें जब हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, प्लस प्रॉफिट. अगर हम उसमें प्रॉफिट जोड़ें तो क्या बन जाता है जी, तो फिर ये बन जाता है जी हमारा सेल्स प्राइस. तो हमारा सेल्स प्राइस कब आता है जी, जब हम कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं. बिल्कुल सही बात है जी, हमेशा से यही हुआ है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी तो सेल्स प्राइस आता है. मैंने कहा जरा अगली बात लिखो बेटे. ये प्रॉफिट जोड़ने के दो तरीके होते हैं, ये प्रॉफिट जोड़ने के दो तरीके होते हैं. कभी बोलेगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, और कभी बोलेगा बेटे परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस, कि प्रॉफिट डैश परसेंट है. कभी बोलेगा 10%, कभी बोलेगा 20%, कभी बोलेगा 25%, 25%, 20%, मतलब कुछ भी परसेंटेज क्वेश्चन में बोलता रहेगा, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, कोई भी परसेंटेज ही होगी. लेकिन वो परसेंटेज कभी क्वेश्चन घुमाता है कॉस्ट का, बोलता है कि कॉस्ट का इतना परसेंट, और कभी बोलेगा सेल्स प्राइस का इतना परसेंट. तो बेटे अभी हमें ध्यान देना है पिक्चर में सिर्फ एक ही चीज रहेगी इस टाइम पे, या तो कॉस्ट या फिर सेल्स प्राइस. आइए जरा, जब क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट है ऑफ कॉस्ट, बेटा फॉर्मूला तो हमारा चाहे उधर हो चाहे इधर हो, हमारा फॉर्मूला थोड़ा ना बदल जाएगा, हमेशा एक ही बात होगी, कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ेगा तो ही तो बनेगा ये सेल प्राइस. और बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे हर जगह पर फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा, चाहे परसेंटेज कॉस्ट की हो और बेटे चाहे परसेंटेज सेल्स की हो. जरा देखो, अगर हमें बेटे क्वेश्चन ने ये कहा, क्या कहा, कि भाई 20% प्रॉफिट है, क्या बोला बेटे, मान लिया क्वेश्चन ने बोला 20% प्रॉफिट है, सॉरी 25% प्रॉफिट है, कितना 25%, ध्यान से लिखना इसको. मान लिया क्वेश्चन ने कहा, सपोज करो 25% प्रॉफिट किसका, कॉस्ट का. ऑफ माने क्या होती है, का, कॉस्ट का 25%, यानी बेटे पहले कॉस्ट को 100 होना पड़ेगा. मैथमेटिकली क्या कहा मैंने, पहले कॉस्ट को 100 बनाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट 25 हो पाएगा. आई रिपीट माय वर्ड्स बेटे, ये सबसे काम की लाइनें हैं. कॉस्ट का 25% प्रॉफिट बोल रखा है, तो सबसे पहले कॉस्ट को 100 बनाना पड़ेगा. जब ये कॉस्ट 100 होगी तब जाके ये प्रॉफिट हमारा 25 होगा. इसका मतलब सेल प्राइस हमारा कितना होगा बच्चों, 125 रुपीज बैठेगा. मैं परसेंटेज वाइज बात करता हूं. कई बार क्वेश्चन हमें देता है क्या, कि 25% कॉस्ट का नहीं है, 25% सेल का है. तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, ऐसे केस में 100 किसको होना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट 25 हो जाए. ऐसे केस में बेटे जब सेल प्राइस का बोला गया तो सेल प्राइस को पहले 100 होना पड़ेगा. लेकिन बात तो वही रहेगी जी, चाहे किसी का भी परसेंटेज हो, जब कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तब जाके वो सेल प्राइस बनेगा जी. जब कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो तब जाके बेटे वो सेल प्राइस बनेगा.
यानी अगर ये 25% कॉस्ट का ना हो करके सेल का होता तो प्रॉफिट तो 25 हो गई होगा, लेकिन 100 किसको होना जरूरी है ताकि ये 25 हो? ऑफ सेल, 25% ऑफ सेल, यानी कि 100 किसको होना जरूरी है? सेल प्राइस को 100 होना जरूरी है, तब जाके ये प्रॉफिट 25 होगा। तो इसमें कॉस्ट कितनी हो जाएगी सारे बच्चे बताएंगे, 125 होगी कि 75 होगी? बोलो अंटू, स्वयं, वरुण, अर्णब गोस्वामी भाई, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, अंटू, महक, विवेक, रेडमी 7A, श्रद्धा, जल्दी बोलो। वेरी गुड महक, वेरी गुड श्रद्धा, जल्दी जल्दी बोलो। यानी कि ये कितना होगा? 75, वेरी गुड। क्योंकि भाई ये 100 होगा तब जाके 25 होगा, और कोर्स में प्रॉफिट होने के बाद ही 100 है, तो यानी कि ये कितना होगा? कोर्स 75। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाते हैं, कभी बोलेगा परसेंटेज इतना परसेंट है प्रॉफिट ऑफ कोर्स, कभी बोलेगा इतना परसेंट है प्रॉफिट ऑफ सेल प्राइस। तो चाहे बेटे किसी में भी क्वेश्चन हमें घुमा दे, हमें इससे टेंशन नहीं, बस एक बार ये इक्वेशन सही फ्रेम कर देना। और दोनों में कॉमन चीज है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है और सेल है, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल, यही तो होती है चीजें। अब मैं यहां पर कराऊंगा आपको एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल दूंगा। तो बेटे तो मैं इसको नाम देता हूं, यहां पर पहले मैं इसको नाम देता हूं बेटे, इस इक्वेशन को मैं एक नाम देता हूं, लिखिए बेटे केस ए, जब प्रॉफिट की परसेंटेज दी होती है कॉस्ट की। यहां पर हम लोग करेंगे दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। अभी बनाऊंगा मैं एग्जाम्पल, मेरा बेटे 15-20 दिन के बाद छोड़ना हुआ है लेक्चर। एक बच्चा बच्ची कह रही है, नाम नहीं लूंगा, कि मेरी तो क्लास नहीं हो पा रही है, आपका 15-20 दिन के बाद हो रहा है। नहीं बेटे, मैं आपसे एक बात बताऊं, आप शायद गलत ग्रुप में होंगे, शायद आप लिंक का वेट कर रहे होंगे। आप टेलीग्राम के लिंक पे आइए, टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है CA क्लास का, आप वहां पर आइए, मैं डेली लिंक वहां पे डालता हूँ। और मैं, और अगली बात, ये जो जिस लिंक से आप क्लास में आए हैं इसी लिंक पे हर बार क्लास होती है, आप टाइम से ऑन कीजिएगा। हाँ ये जरूर है कि बीच बीच में थोड़ा सा क्या है, जैसे ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेटे सी एंटर वालों की क्लास भी चल रही होती है और लाइव भी चल रही है, तो फिर रिकॉर्डेड बैकअप भी चल रहा होता है, सारा कुछ मुझे खुद मैनेज करना होता है, क्योंकि इस टाइम पे बेटे लॉकडाउन है, तो क्या है ना थोड़ा सा कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो रेस्ट ले लेते हैं, ये जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी क्लास कभी भी किसी और लिंक पे नहीं, इसी लिंक पे होती है बेटा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हम करेंगे कॉस्ट वाला, जब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट दिया होगा। बेटे इधर बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा विजय यादव जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ जो अभी क्लास छूट गई है उनका बैकअप होगा, जब होगा जब यादव जी बोलेंगे, ठीक है? सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए बैकअप है, बैकअप ऐसे नहीं किसी भी बच्चे के लिए बैकअप होगा, बैकअप सिर्फ उस बच्चे के लिए होगा जो रेगुलरली क्लास में आ रहा होगा, ठीक है? तो आप विजय सर हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, और बाकी विजय जी का मैंने नंबर दे रखा है लेक्चर नंबर 1 में, बैठे आपको भी उन्होंने संपर्क किया होगा, आप उनसे बात कर लीजिए, बैकअप जब वो कहेंगे तब लगा देंगे। आइए जी बात करते हैं हम लोग काम की, एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करें। तो बेटे नेक्स्ट पेज पे आप लोग हेडिंग डालेंगे, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे केस नंबर ए, नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालो बेटे केस नंबर ए, प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, लिखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। यादव जी मैं एक बार चैट अलाउ कर रहा हूं एवरीवन पब्लिकली, ठीक है? तो आप एक काम करो, यहां पर ना अपना नंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है? लिख देना उसमें मैसेज कि जिस भी बच्चे को क्लास के बारे में बात करनी है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें।
बाकी बच्चों को बताओ तो वो डाल दो बेटे नंबर यहाँ पे, अपना नहीं डालना। आओ जी, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है ऑफ कोर्स। लो बेटे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई को गुड्स दिया ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस बेचा, और उसकी बट टिल द ईयर एंड, सच वाज नॉट येट अप्रूव, लेकिन अभी तक बेटे कोई भी उसमें अप्रूवल नहीं आए। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये है, यहां पर लिखो एग्जाम्पल नंबर वन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स वाज रुपीज 1 lakh, ये भी लिख दो श्रद्धा, ये मिस्टर उनका नंबर है ना। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स वाज रुपीज दिस वन। अच्छा, मिस्टर एक्स रॉन्गली एंटर्ड सच ट्रांजेक्शन एज सेल, उन्होंने क्या किया, सच ट्रांजेक्शन एज सेल, इसकी कैसे एंट्री कर रखी है बेटे, जैसे कि सेल हो गई हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है, एक तो बेटे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है ना, फाइंड आउट सेल्स अमाउंट इंक्लूडेड इन सेल्स एंड डेटर्स, क्योंकि बेटे उधार सेल की तरह एंट्री कर दी होगी, तो इसका मतलब पता है क्या है, डेटर में भी बात शामिल होगी और सेल में भी बात शामिल होगी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, डेटर और सेल दोनों को ठीक करना होगा, है ना, और स्टॉक के अंदर उस गुड्स को काउंट कराना होगा। तो हमें पहले क्या जरूरी है, चारों दोनों चीजें पता होना, एक तो कॉस्ट और एक सेल। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, और एक्स ने कितने रुपए की कॉस्ट का वो गुड्स था ये बता रखा है, कितने रुपए की कॉस्ट का वो गुड्स है बेटे, हमें क्या पता है बताओ, कॉस्ट पता है, और क्या ढूंढना है, सेल ढूंढनी, सेल वाली अमाउंट। प्लीज एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं कराता हूं, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, कौन बच्चा है जो इसमें सेल वाली अमाउंट निकाल के बताएगा। वीडियो ऑन रखो बेटे, सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे, श्रद्धा, चंद्र प्रकाश, विवेक, महक, अंटू, अब सब बच्चों के लिए रूल ऐसा ही है बेटा, सब बच्चे एक साथ वीडियो ऑन रखेंगे। प्लीज अर्णव गोस्वामी जी को तो हम जरूर देखना चाहेंगे, बताओ अर्णव गोस्वामी जी हमारे क्लास में आए हुए, शैतान और कोई नाम नहीं मिला। हाँ जी, सेल वैल्यू, एक दो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड वरुण, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। हाँ जी, आंसर दीजिए बाकी बच्चे, श्रद्धा आंसर नहीं आया तुम्हारा, चंद्र प्रकाश, विवेक, महक, अर्णव, आंसर नहीं आया अभी तक, अंटू, बस दो ही बच्चों ने आंसर दिया, स्वयं ने और वरुण ने, बिल्कुल सही, बाकी बच्चे भी आंसर दें।
जल्दी 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 जल्दी, महक का भी आंसर सही है। मैं अब उनके नाम लेना शुरू करूंगा जिन्होंने आंसर नहीं भेजा। चंद्र प्रकाश, श्रद्धा, विवेक, अर्णब, अंटू, जल्दी जल्दी भेजो बेटे आंसर। विवेक का भी आ गया जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिन जिन बच्चों का आया आंसर बिल्कुल सही आया अभी तक। आइए बेटे लिखिए आंसर। आंसर बेटे बताओ हमें क्या पता है? हमें पता है कॉस्ट। हमें इतना पता है कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ता है तो भैया सेल्स प्राइस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल्स प्राइस बन जाता है। श्रद्धा का भी आ गया, चंद्र प्रकाश का भी आ गया, और बस नहीं आया किन किन का। चलो आओ बात करते हैं। बेटे देखो ध्यान से, हमें क्या पता है बेटा? हमें कॉस्ट पता है। हमें एक चीज पता है, कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ेगा तो सेल्स प्राइस बनेगा। पहले इक्वेशन फ्रेम कर। हमें यहाँ पे 25% बता रखा है प्रॉफिट, यानी 25 होगा। कब होगा? जब कोई चीज परसेंटेज होगी, 100 होगी। परसेंटेज मतलब 100 होगी, और 100 क्या है यहाँ पे? क्या बोला हमें? परसेंटेज ऑफ, ऑफ माने का, ऑफ माने का किसका? कॉस्ट का बेटे, कॉस्ट का। यानी कॉस्ट को पहले 100 बनाएंगे तभी तो जाके ये 25 हो पाएगा। यानी कॉस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे? 100। तो ये कितना होगा? इसका मतलब 125। यानी कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तभी तो सेल्स प्राइस बनता है ना। तो 100 में 25 जुड़ेगा तो 125 बनेगा। हमने पहले इक्वेशन बना ली। अब देखो बेटे हमें इसके इसमें किसके बराबर की चीज दे रखी है? हमें बेटे इसके बराबर वाली चीज दे रखी है 1 लाख। और हमसे पूछा क्या है ये बता दो। बहुत सिंपल सा फंडा है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझसे भी अच्छे से जानते हैं मैथमेटिक्स को, कि भाई अगर कॉस्ट है 100, अगर इसको ऐसे लिखते हैं, इफ कॉस्ट इज 100 देन सेल्स प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? 125। क्या है बेटा? 125। अगर कॉस्ट 1 है डिवाइडेड बाय 100, और अगर कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए है तो भाई कितना? 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 लाख। यानी बेटे 1,25,000 रुपये हमारा सेल प्राइस है। क्या है हमारा? सेल प्राइस है। तो बच्चों ध्यान से, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सेल में और डेटर में, क्या कहा मैंने? सेल में और डेटर में 1,25,000 वहां पर जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 1,25,000 वहां पर जुड़े हुए हैं सेल में और डेटर में। तो बेटे क्या एडजस्टमेंट होगी बताओ यहाँ पे? इस एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा? हम लोग फटाफट से करते हैं जी। आइए, एक तो बेटे हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी हमारी बैलेंस शीट। अब डायरेक्टली इफेक्ट दिखाऊंगा क्योंकि हमने पिछली क्लास तक इस चीज को कवर किया। ये रही जी बैलेंस शीट, ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली बात, यहां पर जो हमारी सेल दी होगी ट्रेडिंग में, और यहां पर जो हमारे डेटर दिए होंगे ट्रेडिंग में, हम बोलेंगे डेटर तुम डेटर नहीं हो, सेल तुम सेल नहीं हो। अब वो मत करना, पुरुष तुम पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो। पता चला तुम महासेल हो, महा डेटर बोलना शुरू करो। बोलो डेटर तुम डेटर नहीं हो, सेल तुम सेल नहीं हो। कितने रुपए थे बताओ भाई? 1,25,000 से तुम सेल नहीं हो, डेटर तुम सेल नहीं हो। 1,25,000 के डेटर नहीं है वहां पर। डेटर तुम डेटर नहीं हो, सेल तुम सेल नहीं। अच्छा तो फिर हम क्या है? तुम स्टॉक हो। क्या हो तुम? स्टॉक। कितने रुपए की कॉस्ट? बेटे स्टॉक जो भी रहा होगा हमारा, क्या कहा मैंने बेटे? यहां पर जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा उसमें ये जुड़ जाएगी। इसकी अमाउंट किस नाम से? आपको मैंने पिछली क्लास में लिखाया था तो मैं दोबारा दोबारा वो नाम नहीं लिखा रहा। कॉस्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है जी। पिछली क्लास में हमने बात की थी सेल में से हट जाएगी सेल्स ऑफ गुड्स ऑन एक्रुअल बेसिस, डेटर में से भी हट जाएगी सेल्स ऑफ गुड्स ऑन एक्रुअल बेसिस, और स्टॉक में जुड़ जाएगा स्टॉक विद कस्टमर। सीए इंटर में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर इसकी फिर बहुत जरूरत पड़ेगी। एक चैप्टर है जी इंश्योरेंस में, वहां पे पूछा जाता है कि बताओ जी आग लगी
हाँ गोडाउन में स्टॉक रखे में आग लगी, हाँ जी, तो वहां ढूंढना जाता है क्या ये स्टॉक गोडाउन में था, मतलब ही नहीं आग लगने का क्या मतलब है, ये थोड़ा ना मालिक का स्टॉक है तो वो आग पीछे पीछे भाग जाएगी, जिसके यहाँ माल रखा है जाके लग जाएगी तो उसका है, आग लग जाती है। तो ध्यान रखना होगा बेटे, बहुत सारी जगह पर इस पॉइंट को काम में लाना है, तो इस पॉइंट को अच्छे से करना है। तो मेरे ख्याल ये पॉइंट क्लियर है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। बेटे अभी हमें बताओ कौन सा केस कर रहे हैं हम लोग, सारे बच्चे बताएंगे, हम कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। उसमें एग्जाम्पल नंबर वन में हमने क्या किया, इस पर हेडिंग डाल दो, यहां पर लिखो लिखो कॉस्ट गिवन, हमें क्या दिया था बताओ, यहां पे जल्दी से बोलो, हमें कॉस्ट बता रखी थी, नहीं जेनेटिव अभी पास नहीं करनी, हमें कॉस्ट बता रखी थी और हमसे क्या पूछा गया था, सेल्स प्राइस पूछा गया था। और अब जो एग्जांपल नंबर टू कराऊंगा उसमें क्या होगा बेटे, सेल प्राइस दे रखी होगी और कॉस्ट पूछा जाए। आइए जी लिखिए बेटे एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू लो बेटे, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन ऑन अप्रूवल बेसिस, बट टिल ईयर एंड, बट टिल ईयर एंड सच वाज नॉट येट अप्रूव्ड, कॉस्ट ऑफ, सॉरी कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो मैं पता थी, सेल प्राइस ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं दूसरे तरीके से, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है सेल्स इंक्लूड रुपीज टू लैख 50,000 फॉर सच गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सच गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, फाइंड आउट सेल्स अमाउंट, नहीं सॉरी कॉस्ट अमाउंट फॉर सच गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। मैं वेट कर रहा हूं कि देखिए जी कौन सा बच्चा है जो सबसे पहले इसका आंसर भेजेगा। किसका नेटवर्क टूटा है जी, एक विकेट गिरा है कोई, चलो जी देखते हैं। मैं वेट कर रहा हूं बेटे कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा। ओके बच्चों ने आंसर देने शुरू कर दिए, एक बच्चे का आंसर आया है, चलो मैं आंसर नहीं बोलूंगा अभी। चंद्र प्रकाश और वरुण का आंसर सही है विवेक बेटा, चलो बाकी जो बच्चे बेटे वो अपना आंसर देखे जिन्होंने भेजा। चंद्र प्रकाश और वरुण का आंसर सही है और महक का भी आंसर सही है। बेटे जिस क्लास पे लिंक कर रहे हैं ना हम लोग, इस लिंक को संभाल के रखो, इसी लिंक पे सीए एंटर की क्लास होती है,
इसी लिंक पे आपकी सीए फाउंडेशन की क्लास चल रही है, तो आपकी क्लास आपके टाइम से होगी। हाँ, स्वयं का भी आंसर सही है, डेली इसी लिंक पे क्लास होनी है। श्रद्धा ने भी आंसर भेजा है, नहीं नहीं बेटा दोबारा चेक करो। हाँ, अब विवेक ने सही भेजा। आओ बेटा शुरू करें, आओ देखो लिखना मेरे साथ में शुरू करो। बेटे ये बताओ, कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तो ही तो हमारा सेल्स प्राइस बनता है। हाँ सर, बताओ बेटे प्रॉफिट कितना परसेंट है। श्रद्धा बेटे ध्यान देना, इधर वीडियो ऑन रखो अगर हो सके तो। हाँ जी बेटे, प्रॉफिट कितना है? 25। कब कब होगा ये 25? जब कॉस्ट हमारी 100 होगी। क्या होगा बेटे? ऑफ कॉस्ट है ना, यानी कि कॉस्ट हमारी पहले 100 होनी जरूरी है, तब जाके ये 25 होगा। तो मैं 100 कहां पे लिखूंगा जी? कॉस्ट के सामने। कहां पे लिखूंगा मैं? कॉस्ट के सामने। और ये कितना होगा? ये सेल्स प्राइस हमारा कितना होगा बेटे? 125 होगा, क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ के आती है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? श्रद्धा आओ जरा, कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तो क्या बनता है बेटे? हमारा सेल्स प्राइस बनता है। और कॉस्ट हमारी 100 है तो प्रॉफिट कितनी है बेटा? 25। अब क्वेश्चन में क्या बता रखा है जी? इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई सेल में 2,50,000 रुपए शामिल हैं, सेल में 2,50,000 रुपए शामिल हैं। तो बेटे अगर ये 2,50,000 रुपए शामिल है, सेल की अमाउंट है, तो फिर बेटे कॉस्ट अमाउंट क्या है ये ढूंढनी है जी। तो जी चलिए आइए ढूंढते हैं। देखिए, अगर कॉस्ट हमारी, क्या कहा मैंने, इफ कॉस्ट इज 100 देन सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 125। एक जीरो कम छोड़ दिया अंटू, वरना सही दे रहा हूं आंसर। और अगर इफ कॉस्ट इज 1 देन सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 125/100। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, एक्स लेट करके भी आप कर सकते हैं। और अगर कोर्स ऑन करो ना वीडियो, महक विवेक चंद्रप्रकाश, बेटे वीडियो ऑन रखो, महक विवेक चंद्रप्रकाश। अजीब से लग रहे हो तुम लोग क्लास में, ऐसे लग रहे जैसे फिर कहता नहीं, फिर तुम नाराज हो जाओगे। जल्दी जल्दी देखो कि ये सब सब लोग यहाँ पे बच्चे लोग हैं मुझे छोड़ के। हाँ, वीडियो ऑन करो विवेक और चंद्रप्रकाश। बेटे क्लास की तरह बैठते हैं ना क्लास में। हाँ चंद्रप्रकाश बेटे जल्दी ऑन करो, आओ जी। कॉस्ट अगर है, हाँ ऑन करो बेटे चंद्रप्रकाश जी, बेटे वीडियो ऑन कीजिए। यस, अभी लगा ना क्लास चल रही है। अच्छा, आपके कैमरे में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? आप ऑन तो कर रहे हो पर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। बोलो बेटे आप कुछ कहना चाहते हैं? म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया। यस, अब कीजिए। देखो कितना सुंदर बच्चा, और वीडियो ऑन नहीं कर रहा था, बताओ। चंद्रप्रकाश तुम चंद्रमा की तरह से चमक रहे हो, प्रकाश आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ थोड़ा सा प्रकाश कम करो पीछे से, देखो सच में प्रकाश आ रहा है। हाँ ये देखो, अब दिखाई दिया ना? गुड। अंटू ने तो मुंह ढक रखा है, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा सर। आओ जरा, इफ कॉस्ट इज 1 देन व्हाट? बेटे आओ जरा, अब कितना है बेटा ये बताओ? कितना? 2,50,000। अगर कॉस्ट बेटे 2,50,000 रुपए की है तो मल्टीप्लाई कर दो बेटे 2,50,000 से। लो बेटे, तो कितने रुपए की कॉस्ट है जी? 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 125। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ यही तो, देखा तुम मुझे बातों में लगा लेते हो, फिर गड़बड़ कराते हो। शुरुआत कहाँ से करनी थी हमें? हमें बेटे सेल्स प्राइस दे रखा है ना, तो सेल्स प्राइस से शुरुआत करनी थी। अब ना कोई भी बच्चा वीडियो ऑफ नहीं करेगा, वरना मेरा ध्यान ना वीडियो ऑन कराने में चला जाता है। आओ जरा, अगर बेटे हमें सेल्स प्राइस दे रखा है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? सेल्स प्राइस वाली इक्वेशन से। कैसे? इफ सेल्स प्राइस इज 125 देन
कॉस्ट इज इक्वल टू 100 एंड इफ सेल्स प्राइस इज 1 देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 बाय 125। हाथ नीचे कर ले करो चंद्रप्रकाश, ये तब ऊपर करना होता है जब बजरंगी भाईजान देख रहे होते हैं, मेरा मतलब जब कुछ पूछना हो तब। हाँ ऐसे ये जूम ने ऐसे किया और ये ऐसे रह गया, मैं नीचे कर देता हूं तुम्हारा हाथ। 1 2 3 आओ जी। लो बेटे कितना, तो कितना हो गया बेटे 2 लाख। 2 लाख कितने की अमाउंट आई बच्चों, ये आई बेटा 2 लाख। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में अब हमारा जो होगा बेटे वो होगा एग्जाम्पल नंबर 3। बेटे अब कौन से वाले केस चलेंगे, केस नंबर बी चलेंगे। केस नंबर बी में क्या होगा, 25% ऑफ सेल्स प्राइस दिया होगा। क्या दिया होगा बेटा, 25% ऑफ सेल्स प्राइस। तो आइए जी इस पे लिख लीजिए पहले आप। अब हम केस नंबर बी करेंगे, ये होंगे हमारे केस नंबर बी, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी सेल की और हमसे कभी कुछ देगा दूसरी चीज पूछेगा, है ना। तो आइए जी फटाफट से हेडिंग डालो बच्चों, जैसे यहां पर केस नंबर ए डाला था अब हम डालेंगे केस नंबर बी। लिखो जी केस नंबर बी, मान लिया बेटे ये है 25% ऑफ सेल्स प्राइस। पहले किसका कर रखा था हमने, कॉस्ट का, हमें क्या दे रखा बेटे 25% किसका, सेल्स प्राइस का। यहां पे हम लोग कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। लिखो बेटे मिस्टर मिस्टर चंद्रप्रकाश को पकड़ लेते हैं आज, मिस्टर चंद्रप्रकाश सोल्ड गुड्स, मिस्टर चंद्रप्रकाश ने सेल किया गुड्स, किसको किया जी, किसको किया, अंटू को किया, टू मिस्टर अंटू, एट 25% प्रॉफिट ऑफ सेल्स, उसको बेचा 25% प्रॉफिट पर, वो भी किसका, सेल्स पे। सर एक बार एग्जांपल नंबर 2 दिखा दीजिए। अच्छा मैं दिखाता हूँ बेटा, लो बेटे सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन दिखाना है कि क्वेश्चन भी दिखाना है, लो जी स्क्रीनशॉट लेते रहो। लो मैं जूम आउट करके बता देता हूँ, ले लो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आइए बेटा आज तो मैं ये कह रहा था चंद्र प्रकाश ने माल बेचा अंटू को, कितने का, 25% प्रॉफिट ऑफ सेल बेचा। अब बेटा यहाँ पर क्या है, ध्यान से, यहाँ पर जो बेचा था वो बेचा था ऑन अप्रूवल बेसिस बेचा था, ठीक है, सच वाज सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको अप्रूवल बेसिस पे बेचा था, एंड टिल द ईयर एंड, टिल द ईयर एंड सच वाज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि इसकी अभी अप्रूवल नहीं हुई। अब मैंने यहाँ पे वर्डिंग चेंज की तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटे यहाँ पे सेंस चेंज हो जाएगी, सेंस वही है जो उस वाले क्वेश्चन में थी, ठीक है ना, नॉट येट अप्रूव या पेंडिंग फॉर अप्रूवल एक ही बात है। चलिए जी अब क्या होगा इसके बाद में, इसमें बता दिया क्वेश्चन ने हमें कि भैया कितने की कॉस्ट का था, क्वेश्चन ने हमें बताया, यहाँ पर हमें बता रहा कॉस्ट गिविन, क्या बेटा कॉस्ट गिविन, ये बता रखी थी हमें कॉस्ट,
कोच बता रखी थी बेटे 5,25,000 रुपीज की कोस्ट का, 5,25,000 की कोस्ट का, और हमें पूछ रहा था कि भाई बताओ इसका सेल्स प्राइस कितना है, क्या आप निकाल सकते हो? मैं वेट कर रहा हूँ जी, निकालो। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड चंद्र प्रकाश, एक बार अच्छा अंटू का भी सही है, बाकी बच्चे अपना आंसर दोबारा चेक करें, स्वयं का भी सही है, अंटू का भी सही है, चंद्र प्रकाश का भी, विवेक का भी, इन सबका सही है। मैं वेट कर रहा हूँ बेटे बाकी बच्चों के आंसर का। आइए जी, मुझे पता है इनमें दिक्कतें होती हैं, इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम लगा रहा हूं। लिखिए बेटे आंसर, हमेशा की तरह एक ही फंडा चाहे कोई भी केस हो। क्या कहा? चाहे कोई भी केस हो। मैंने कहा लो बेटे, कोस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ जाता है, क्या कहा बेटा मैंने, क्या कहा मैंने बोलो, कोस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ जाता है तो क्या आ जाता है बेटा, सेल्स प्राइस आ जाता है। और यहां पर हमें क्वेश्चन ने क्या बोला, 25%, क्या कहा, 25% प्रॉफिट है ऑफ सेल। यानी बेटे पहले ना सेल को 100 होना पड़ेगा, तब जाके ये 25 होगा। ये बात तो सब बच्चों को समझ में आ गई, पहले सेल को 100 होना पड़ेगा तब जाके ये 25 होगा। मैक का भी आंसर सही होगा। अच्छा तो इसका मतलब कोस्ट कितनी होगी, मैं अगर पर परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो कोस्ट कितनी रहेगी होगी बेटे, 75। कितनी? 75, क्योंकि 25% प्रॉफिट है किसका, ऑफ सेल। तो सेल पहले 100 होगी तब जाके प्रॉफिट 25 होगा, यानी कोस्ट कितनी होगी, 75। अब देखो क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कोस्ट दे रखी है बेटे, क्या दे रखी है बच्चों, कोस्ट। कोस्ट कितने की है, 5,25,000 की कोस्ट है, और पूछा क्या है उसका सेल्स प्राइस, है ना। देखो कितना आसान है, आपने अगर ये छोटी सी इक्वेशन फ्रेम कर ली ना, मतलब बल्ले 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 बल्ले, जरा आओ तो बेटे शुरू हो जाओ, बस एक ही फंडा कहीं भी फिट कर दो, एक ही फंडा, वो भी मेरे को नहीं, वो तो तुम्हें पहले से आता है, वही बता रहा हूं मैं तुम्हें, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं एक तरह से देखा जाए। लो बेटे क्या निकालना है हमें बताओ, हमें सेल प्राइस निकालना है, क्या पता है हमें बताओ जल्दी से, कोस्ट पता है। तो हम शुरू कहां से करेंगे, कोस्ट से। इफ कोस्ट इज 75 देन सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100। बेटे जो पता है शुरू वहां से करो, आओ जी, इफ कोस्ट इज 1 देन सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100/75, 100/75, एंड इफ कोस्ट इज 5,25,000 मल्टीप्लाई कर दो बेटे, आ गया बच्चों कितना, आ गया बेटे 7,00,000 इज इक्वल टू 7,00,000। अगला पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए बेटे एग्जाम्पल नंबर 4, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो तुरंत बोल देना। लो जी, अब एक और एग्जांपल बनाते हैं। अब के महक और श्रद्धा का एग्जांपल ले लेते हैं। लो बेटे, दोनों बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। मिस महक सोल्ड गुड्स टू, अब दूसरी बच्ची का नाम ले लेते हैं श्रद्धा। श्रद्धा ऑन अप्रूवल बेसिस पर माल बेचने के लिए दिया, भेज दिया। अच्छा, कितने की को यहाँ पे सेल्स प्राइस था 8 लाख। बेटा अब की बार क्या दे रखा है, जल्दी बताओ। पिछले बार क्या दे रखा था हमें, कॉस्ट। इस बार हमें क्या गिवन है बेटे, सेल्स प्राइस गिवन। Profit is 25% of sales price. Find out cost. आपको क्या निकालना है बेटे, कॉस्ट निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है बच्चों, कॉस्ट निकालनी है। देखिए जी, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। दोबारा चेक करो, जिसने 86 भेजा है, दोबारा चेक करो जिस बच्चे ने 86 भेजा है। बाकी सब का आंसर सही है। अब सही है बेटे, बताओ 25% है। देखो तो जरा, जिनके ऊपर एग्जांपल लिया उन बच्चों का आंसर सही है कि नहीं है। महक का भी सही है, श्रद्धा तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी, श्रद्धा ने भेज दिया। श्रद्धा प्रॉफिट नहीं पूछा बेटे, उसने कॉस्ट पूछी है। हाँ कोई बात नहीं, भेजो भेजो, कॉस्ट भेजो। भेजो भेजो बेटे, 25% प्रॉफिट है किसका, 25 कोई चीज 100 होगी, किसका है, ऑफ सेल्स प्राइस। यानी कि सेल को पहले 100 होना होगा, तब जाके 25 हो पाएगा। इसका मतलब कॉस्ट हमारी कितनी है, 75। इसको जानबूझ के धीरे धीरे करा रहा हूँ सॉलिड एडजस्टमेंट को, 10 जगह कम आएगी, 10 जगह गिनती की, 10 जगह, 10 की 10 उंगली पे गिनवा दूंगा। लो जी आओ जी, प्रॉफिट 25% है ऑफ सेल्स प्राइस। पहले सेल्स प्राइस 100 होगा तभी तो 25 होगा। अब बेटे क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन ने बता रखा है सेल्स प्राइस।
हमें दे रखा है बेटे, ये 8 लाख रुपए की सेल प्राइस का गुड्स था, और पूछा क्या है हमसे, हमसे कॉस्ट पूछिए। क्या पूछिए बेटा? कॉस्ट पूछिए। तो निकालो बेटे, फिर से वही कहानी। कहां से, क्या क्या पता है हमें? सेल प्राइस पता है, तो हमें वहां से शुरू करना है। इफ सेल प्राइस इज 100, देन कॉस्ट इज इक्वल टू 75। अगर सेल प्राइस 100 है तो कॉस्ट कितना है? 75। एंड इफ सेल्स प्राइस इज 1, देन कॉस्ट इज इक्वल टू 75/100। और अगर बेटे 8 लाख रुपए की सेल प्राइस है तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी आपकी 6 लाख रुपीज की कॉस्ट। देखो कितनी आसान सी चीज है, कुछ भी तो नहीं है इन एडजस्टमेंट में। और कसम से 90% उलझन होती है इसमें, 90% बच्चे उलझे रहते हैं। जब यही एडजस्टमेंट आएगी और यहां पर महक और श्रद्धा के बजाय कंसाइनर कंसाइनी का नाम लिखा होगा तो बच्चे डर जाएंगे, पहले तो कंसाइनर कंसाइनी सुनते हिल जाएंगे, फिर इस एडजस्टमेंट को देखेंगे। बेटे कुछ नहीं, एक ही बात है भाई, जो बेचता है वो तो गुड्स को सेंड कर देता है ना, तो वो कंसाइनर बन जाता है बस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एडजस्टमेंट कहीं भी आए, हमें कॉस्ट से प्रॉफिट पे, कॉस्ट से सेल्स पे, या सेल्स से कॉस्ट पे पहुंचना है बेटे। फंडा हमारा यही रहेगा, चाहे ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो, चाहे कंसाइनमेंट का चैप्टर हो, चाहे जॉइंट वेंचर का चैप्टर हो, चाहे ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का चैप्टर हो, चाहे ये इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर में जहां जहां पर कॉस्ट दे करके सेल प्राइस पूछता है या सेल दे के कॉस्ट प्राइस पूछता है, हर जगह पर एक ही फंडा, मतलब एक ही फंडा लगेगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ेगा तो सेल्स प्राइस, बस प्रॉफिट की परसेंटेज को और 100 को सही जगह पे रखना आना चाहिए। जिसका परसेंटेज होगा पहले उसको 100 लिख लेना, जिसका परसेंटेज होगा, और फिर प्रॉफिट की जगह वो परसेंटेज लिख देना जो कहा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आइए जी, तो एक एडजस्टमेंट हमारी ये वाली भी कवर हो गई। जब प्रॉफिट दिया होता है किसी पार्टिकुलर को चीज पर और दूसरी चीज पे पूछा गया होता है। आइए बेटे अगली बात। हाँ जी, तो हमारी एडजस्टमेंट में हमारी बेटे कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है जी, आइए तो जरा देखे तो सही। हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई बेटे, ठीक है, मैनेजर रेमिशन रुका हुआ है, हमारी ये भी हो गई। निशान लगाते चलना भाई, अपने अपने इंडेक्स पे जरूर निशान लगाते चलना, क्योंकि मैं तो यहां से निशान मिटा देता हूं। अब हम चल रहे हैं कहां पे चल रहे हैं बेटे, इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम और अनएक्रूड इनकम। ठीक है जी, 5 मिनट का आपको मैं ब्रेक देता हूं, 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग अगले एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं आपको बता दूं बेटे स्क्रीन पक्का दिख रही होगी, आप ना एक बार नेट रिफ्रेश कर लो। कौन है ये बच्चा? श्रद्धा। श्रद्धा बेटे नेट रिफ्रेश कर लो, ये डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाओ। ठीक है जी, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, 5 मिनट के बाद में हम करेंगे ये अगले वाले एडजस्टमेंट, क्योंकि आप लोग ना छोटे बच्चे हो, 3-3 घंटे की 2-2 घंटे की क्लास मैंने देख लिया, आप लोगों के बस की नहीं है। फाउंडेशन वाले बच्चे जो है, हाँ ये सीए इंटर वाले, जब आप ही लोग सीए इंटर का होंगे तो आप लंबी क्लास लेते हो, फाउंडेशन में बच्चे ना 1-1.5 घंटे बाद तो फिर 1.5 घंटे की क्लास होगी ना तो बस गया 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 गया, और 2-2.5 घंटे की होगी तो बेहोश। तो इसलिए मैं समझ गया कि बच्चे को 1 घंटे बाद जरूर दे देना है ब्रेक, चाहे उसे रेस्ट मिले, रेस्ट ना फील हो रहा उसे कि भाई मेरे को रेस्ट चाहिए 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 ना, जबरदस्ती देना है भाई, बेहोशी की दवा हो जाती है वरना अपनी अकाउंट की क्लास। चलो अभी ब्रेक लेते हैं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, लो बेटे शुरू करते हैं। आइए, तो अगली एडजस्टमेंट बेटे आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंसेस। हाँ जी,
हेडिंग डालिए बेटे, अगली एडजस्टमेंट का हेडिंग डालिए और लिखिए यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटे इसके और क्या क्या नाम है वो मैंने आपको लिखा रखी है, इसके साथ इसमें दोबारा लिखाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, वीडियो जरूर ऑन रखेंगे। जी जी फटाफट से लिखो, ये क्या है हमारा, ये कौन सा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। बेटे एक्सपेंसेस अगर कोई हो गया है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउट माने बाहर, स्टैंडिंग माने खड़े हुए, बाहर खड़े हुए कह रहे हैं पैसे दे पैसे दे पैसे दे, ठीक है ना, तो वो क्या है बेटे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आइए एक एग्जांपल के जरिए बात समझते हैं। देखो बेटे एग्जांपल, हर चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक एग्जांपल बनाइए। एग्जांपल देखो जी बेटा, ये ईयर है हमारा, ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, ईयर का ग्राफ बना रहे हैं। और मैं अपने एग्जांपल में ज्यादातर वही ईयर लेता हूं जब मैं सीए बनाता हूं। आइए जी, ईयर 2010, ईयर 2010 जब मैं सीए बना था बेटे, ईयर 2010 की कहानी है। क्या कहानी है सर, ईयर 2010 में हमने भाई कोई बिल्डिंग किराए पे ली, कोई बिल्डिंग हमने छोटा था ऑफिस लिया था किराए के, ठीक है सर, लो जी, और हमने शुरू किया भाई 10,000 रुपये पर मंथ पर वो रेंट पे था, 10,000 रुपये पर मंथ उसका रेंट डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ था, ये डिसाइड हुआ था 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, बताओ बेटे साल भर का कितना खर्चा होगा, ऑफ कोर्स 120,000 भाई, 12 महीने 10,000 महीने के हिसाब से 120,000, सीधी सी बात है, ये हमारा साल भर का खर्चा था रेंट, रेंट का 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना, 120,000 रुपये। बेटे मान लिया शुरू शुरू में पेमेंट कम आया मेरे पास और मैंने पे किया सिर्फ उस मकान मालिक को, मैंने उस मकान मालिक को पे किया 95,000 रुपये पेड। मैंने कहा मकान मालिक जी मैं लेके भाग नहीं रहा पैसे, मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो ठीक है बेटा दे देना कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है जी। तो अब हुआ क्या बेटे, मैंने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया और मैंने देखा, पहले मैंने एंट्री की रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे आप फाउंडेशन लेवल पे हैं इसलिए मैं इसको कैश लिख रहा हूं, जब इंटर लेवल पे आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक रुपए की भी एंट्री बैंक से ही टू और बाई करेंगे, ठीक है, चाहे वो सीए इंटर लेवल हो चाहे किसी भी लेवल पर जो नेक्स्ट स्टेज है अदर देन फाउंडेशन, वहां पर डीलिंग किससे होती है, बैंक से, लेकिन फाउंडेशन लेवल तक जब तक वो बैंक ना बोले हम हमेशा कैश लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बार क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है, मैं खुद देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे काफी जगह, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर्स, सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आई रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, लेकिन ये कुछ चीजें ना थोड़ी थोड़ी सी ऐसी हैं, जैसे रियल का नॉमिनल बता देना वो बहुत पहले हुआ करता था, वो अपडेशन नहीं है वहां पर बस तो। और दूसरा जैसे ये वाला पॉइंट, जब तक फाउंडेशन लेवल पर साफ साफ ना लिखा हो बैंक, फाउंडेशन वाले बच्चे को हर चीज को टू कैश बाय कैश ही करना है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी अपडेशन है, अगर उन क्लास में हो जाए तो, जो रेस्पेक्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सच में, बस ये थोड़े से पॉइंट मिसिंग है, तो ये पॉइंट आप मिस मत करना बेटे। एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो, जब तक ना बोले बैंक या चेक, हम हमेशा फाउंडेशन लेवल पे क्या लिखेंगे, कैश। तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आना बेटा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ईयर एंड पर मेरा ट्रायल बैलेंस मेरे सामने होगा, क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मेरे सामने होगा और मैंने इसमें एंट्री कर रखी है 95,000 की एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो बेटे इस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या कहा मैंने, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर दोनों चीजें होंगी, क्या है ये, रेंट, नहीं मैंने कुछ नहीं मंगाया, मैं क्लास में हूँ। हाँ ये क्या है बेटा, रेंट एक्सपेंस कितने का, 95,000, क्योंकि बेटे जन एंट्री हुई होगी, लेजर बना होगा, फिर ये बैलेंस ट्रायल में गया होगा। इधर बेटे मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस, सॉरी बैंक नहीं, इंटर लेवल नहीं, फाउंडेशन है ना, कैश यहाँ पे क्या हुआ बेटे, मेरा कैश यहाँ से घट गया होगा 95,000, ये मेरा ट्रायल होगा। और ट्रायल के नीचे लिखा होगा हाँ क्या छूट गया, क्या छूट गया, तभी तो वो एडजस्टमेंट बनेगी कि भाई रेंट जो है ना, रेंट या तो लिखा होगा ऐसे, या तो बेटे ऐसे लिखा होगा, या फिर इस बात को ऐसे बताया जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक तरीके से बात बताई जाएगी, या तो बोलेगा कि भैया रेंट जो है ना, रेंट हाँ जी वो आपका 10,000 रुपीज पर मंथ है, क्या है, 10,000 रुपीज पर मंथ है, तो हमें अपने आप पहचानना होगा वहां पर कि भाई फिर तो हमारे ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपीज पर मंथ आना चाहिए, यानी कि 1,20,000 आना चाहिए, यहां पर हमें खुद पहचानना होता है उस एडजस्टमेंट को। क्या कहा मैंने, आई रिपीट, आई रिपीट बेटे, एडजस्टमेंट किस तरह से हमें पहचाननी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा होता ले पकड़ एडजस्टमेंट, वहां पे हमें खुद पकड़ना पड़ता है, कैसे लिखा होगा 10,000 रुपीज पर मंथ हमारा रेंट है बस, और हम देखते हैं ट्रायल में 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, लेकिन 120 वहां पे देखने को मिलता नहीं है। इसका मतलब अपने आप हमें समझ जाना चाहिए वहां पर कि बाकी का जो रेंट है वो पेड नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब एक दूसरा तरीका होता है इसी बात को बताने का कि भाई लिख देगा वहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट रह रहा है कितना, 1,20,000 में से घटा दो 95,000, कि भाई 25,000 रुपीज रह रहा है, या तो ऐसे बता देगा क्वेश्चन या फिर इधर से ऐसे बता देगा, दोनों में से कोई भी एक तरीका। तीसरा तरीका भी बता देता है कभी कभी क्वेश्चन, क्या सर अब और क्या बेटे, ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी क्वेश्चन यहाँ पे ना लिख के, क्या कहा मैंने, क्वेश्चन ये वाली बात, रेंट 10,000 रुपीज पर मंथ, ये बात यहाँ पे ना लिख के क्वेश्चन क्या करता है, यही इसी के साथ ब्रैकेट में लिख देता है कि रेंट है हमारा 10,000 रुपीज पर मंथ, ऐसे भी क्वेश्चन लिख देता है। तो तीनों में से कोई भी एक तरीका क्वेश्चन हमारे लिए यूज करेगा और हम क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से चीजें आप कर रहे हो ना, धीरे 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 आप हर तरह की तैयारी कर लोगे इस तरह से, अब चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आपसे बाहर नहीं होगी चीजें। अच्छा तो सही, अब एक पॉइंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्या मतलब सीधी सी बात है, 10,000 रुपीज बह गए, तो ये छुटी हुई जन एंट्री है जी, ठीक है जी, तो जो छुटी हुई जन एंट्री है उस बात की हम एडजस्टमेंट की क्या जन एंट्री करते हैं बेटे, हम पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, जो कभी भी नहीं होती है, क्या जो कभी भी हमें एग्जाम में लिखनी नहीं होती है, इसका नाम ही एडजस्टमेंट है। ये कहता है क्या कि जनरल एंट्री मत करो, मत करो लेजर, मत करो उसको ट्रायल बैलेंस में लिखने की बात, डायरेक्ट एडजस्ट करो, डायरेक्टली एडजस्ट कर दो, यानी कि फाइनल अकाउंट में सीधा सीधा शो कर दो, बिना जन एंट्री, बिना लेजर, बिना पास के। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में पूछेगा तो बताना, वरना आपको सीधा फाइनल अकाउंट में दिखाना है बेटा। क्या भाई जो छूट गया, क्या होता अगर जन एंट्री कर रहे होते, हम लिख रहे होते रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस, बेटा कोई आपको इसका रूल नहीं बताएगा, मैंने तो देखा नहीं आया तो कोई बताते हुए, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आपसे अगर कभी कोई रूल पूछे तो आपके पास उसका जवाब जरूर हो, इसलिए मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर, और इसी के ऊपर बेस्ड है ये नॉमिनल और पर्सनल टाइप। पर्सनल में भी कौन सा आउटस्टैंडिंग, कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि रेंट किसको देना उसका नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिखा हो तो ये पर्सनल प्लस नेचुरल या आर्टिफिशियल बन जाएगा, यहां पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग के पीछे कोई है। हाँ जी कितने का बच्चों, कितने का, 25,000 का रेंट है जो देना रह गया,
बेटे आगे बढ़ता हूं मैं, इस चीज को हमें दिखाना है फाइनल अकाउंट में। लिखिए बेटे फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बेटे बैलेंस शीट। लिखिए जी बेटे, एक तो है ट्रेडिंग और एक है हमारा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस। लिखिए तो जरा, ट्रेडिंग में क्या लिखोगे? ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। सबसे पहले क्या करोगे बेटे? ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करोगे। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है सर? देखो जरा, एक तो रेंट, रेंट क्या होता है? नॉमिनल। क्या ये माल के बनने का खर्चा है? नहीं, कहाँ जाएगा? पीएनएल में। कितने का रेंट है? 95,000। और कैश तो बेटे, कैश बैलेंस तो ऑलरेडी घट के आया हुआ होगा यहाँ, ठीक है जी। अगली बात, अब हमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है बेटे? एडजस्टमेंट्स। तो लो जी, रेंट एक्सपेंस में जुड़ जाएंगे प्लस आउटस्टैंडिंग कितने के? 25,000 के। और इधर कहां पे आ गया हमारा? लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस 25,000। ये हमारा हो गया 1,20,000 हमारा खर्चा। ये था हमारा ईयर 2010। अभी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुई रही आउटस्टैंडिंग रेंट वाली, अभी पिक्चर बाकी है, असली तो अभी शुरू हुई है। हमें लगा सर खत्म हो गई है, शुरू अब हुई है। अब यहां पर तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटा अगले साल ये बैलेंसेस की शीट में जो लिखे हुए हैं बैलेंस, ये ब्रोट डाउन होंगे अगले साल, ठीक है। तो ये कैसे ब्रोट डाउन होंगे बेटे? अगले साल जो एंट्री हमने यहाँ पे एडजस्ट की थी, ये पलट जाएगी। क्या होगी बच्चों? ये एंट्री पलट जाएगी। आइए जी, मैं बात कर रहा हूं बेटे ईयर 2011 की। 2011 सबसे पहली बात तो यहां पर हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है कितने का? 25,000 पहले से रह रखा है। अब मान लिया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बेटे हमने पे किया, लेट सपोज हमने पे किया 1,00,000। यहां पे हमने पे किया पिड 1,10,000। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं मकान मालिक के पास गया और मैंने कहा कि भैया 1,10,000 में ना 2011 का है। वो कहेगा पिछले पिछले पिछले। मैंने कहा भूल जा भूल जा भूल जा। भूल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं भूलेगा। वो क्या कहेगा? अच्छा तू पहले दे मेरे को 1,10,000। तो पता क्या होगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा देख, मैंने कहा ये मैंने 2011 के दिए। उसने कहा हाँ हाँ तू दे तो सही, जब मैं दे दूंगा तो पता क्या कहेगा? देख भैया, 1,10 में से सबसे पहले तो मैं पुराने काटूंगा, पुराने, हाँ 1,10,000 में से सबसे पहले तो ये हटा दे। यानी कि तेरे अब कितने के रह गए करंट ईयर के? मैंने कहा घटा देता हूँ 1,10,000 में से 25,000 के, 85,000। कि भाई तूने 2011 के 85 दिए हैं ये मान ले। मैंने कहा नहीं 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 2011 के हैं। वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पहले पुराने। तो बेटे इसीलिए हमारी 11th वाली मैडम ने सिखाया था, पहले पेड में से पहले क्या करो? ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग घटा दो। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें अकाउंट बना के सीखना है। फिर बेटे बताओ, इसका मतलब 1,20,000 में से 85,000 गए ना, तो बताओ फिर क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग कितने के रह गए? फिर भी बच गए, फिर भी बच गए। हाँ स्वयं ने बिल्कुल सही बताया, 35,000। भाई 35,000 और बच गए, ठीक है। तो ये बात रही। आइए जी जरा, तो मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ बेटे, छोटी सी बात बताओ बेटे, अगले साल के ट्रायल बैलेंस में मेरा क्या क्या बैलेंस आ रहा होगा? सर हम बताते हैं, हम बताते हैं। हाँ बताओ ना सर, अगले साल ना ऐसे एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ होगा। यहाँ बना दूँ? इधर बना देता हूँ। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। मैं अगर हर जगह खतरे का निशान थोड़ा बनाऊंगा, कहीं जगह मैं बोल के बता दूंगा ना बेटे यहाँ खतरा है, ये वो निशान बड़ा अच्छा लगता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सुनो ध्यान से, ये जो ट्रायल बैलेंस है
अगले साल का ट्रायल बैलेंस होगा, पता है उसमें क्या लिखा होगा? बताओ सर क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा सबसे पहले तो ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग, क्योंकि बैलेंसेस की शीट, बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस आए होंगे हमारी बुक्स में। ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग आ रखा होगा बेटे, और वो कितने का होगा बेटे? 25,000 का ओपनिंग वाला क्रेडिट बैलेंस, 25,000 का ओपनिंग वाला क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री पलट चुकी होगी ओपनिंग बैलेंस। फिर अगले साल का हमारा पेड चला होगा, पेड रेंट, वहां पे लिखा होगा बेटे 1,10,000। और क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख रखा होगा कहीं पे क्वेश्चन में, और वो लिखा होगा या तो लिखा होगा कि भाई रेंट 10,000 रुपए पर मंथ था, या लिख रखा होगा भैया आउटस्टैंडिंग रह गया 35,000। दोनों में से कोई एक बात लिख रखी होगी। तो सेकेंड ईयर में कैसे होगी ये एडजस्टमेंट, आइए देखें। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस को पोस्ट किया जाए, पेड रेंट 1,10,000 है और ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग कितना है? 25,000। बेटे मैं रेंट एक्सपेंस का लेजर बना रहा हूं नेक्स्ट ईयर का। हेडिंग डालिए 2011। ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ जी, सबसे पहला काम ट्रायल को पोस्ट करना, और बेटे ट्रायल बैलेंस में हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? रेंट। तो रेंट में बेटे मैं रेंट का लेजर बना दूं क्या? मैं या तो लेजर बना लो ऐसे, या वहीं पे लिख लेना जैसे तुम्हारा मन करे। मैंने कहा लो बेटे मैं रेंट एक्सपेंस का लेजर बना देता हूं और इसमें ट्रांसफर कर देता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस। सर ये क्या किया? मैंने कहा बेटे ये ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया, क्या एंट्री हुई? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये बात हुई कि पिछले साल जो मैंने क्लोजिंग में एंट्री की थी ना 25,000 की, इसको मैंने पलट दिया ताकि ये रेंट में शिफ्ट हो जाए। 25,000 मेरा रेंट का खर्चा है जो मैंने यहां पर पे किया, पेड कितने का है जी? पेड है बेटे 1,10,000, उसमें से 25,000 का रेंट हमारा पुराना है। सबसे पहले तो इस चीज को डाइजेस्ट करो क्योंकि ये बड़ी दिक्कत कर देगी अदरवाइज। 1,10,000 हमने पे किया जिसमें से 25,000 हमारा ओपनिंग वाला था, ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें बेटे ये बताओ, कायदे से इन दोनों का नेट देखू तो कितना गया हमारा? 85,000 गया। तो हमारा क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग कितना है बेटे? टू, फिर से मैं सेम एंट्री करूंगा दोबारा से, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस 35,000। जब मैं यहां पर 35 डालूंगा तब जाके मैं पीएनएल में 1,20,000 ले पाऊंगा। टोटल हो गया जी 1,45,000। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, इसी चीज को हमें कैसे कराया जाता है? जोड़ो जी, नंबर वन क्लोजिंग वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जोड़ दो, नंबर टू पेड रेंट, और माइनस कर दो, माइनस कर दो ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटे ये बात हमें ऐसे सिखाई जाती थी 11th क्लास में। बच्चों आपने लेजर बना लिया है, कोई भी चीज बिल्कुल भी रटनी नहीं है। मैं फिर से समझाऊं, एक बच्चा कह रहा फिर से समझाऊं, अब मैं फिर से समझा देता हूं बेटे। हमारा जो रेंट है वो रेंट हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है,
और वो हमें दे रखा है बेटे पेड, कितने का दे रखा है बेटा पेड, 1,10,000। पहले तो आप ना एक ट्रायल पे ना इस पर फोकस करो, पहले हमारा जो ट्रायल है वो ये है, हमारा सेकेंड ईयर का ट्रायल, 1,10,000 हमारा रेंट पेड है और ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख रखा है 35,000 हमारा आउटस्टैंडिंग। ये जो 1,10,000 पेड है, सबसे पहले ओपनिंग वाले 25,000 को एडजस्ट कराएगा जो पिछले साल के हैं, उसके बाद में निकल के आएगा करंट ईयर का कितना, 85,000 बचा। ठीक है, तो वही बात हम लोग ना लेजर में कर रहे हैं सीधा। तो ये रहा जी हमारा लेजर, रेंट एक्सपेंस में हमने सबसे पहले लिख लिया ओपनिंग वाला, फिर हमने लिख लिया रेंट पेड, और फिर हमने लिखा बेटे क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग, तब जाके हमारा पीएनएल निकल के आया। इसी बात को हम लोग वहां पर लिख करके किया करते हैं। तो मैं बताओ रेंट एक्सपेंस के नाम का कितना भेजूंगा यहाँ पे, टू रेंट यहाँ भेजूंगा बेटे 1,20,000, या तो मैं यहाँ पर सारी राम कथा वही लिखूं, पेड रेंट प्लस क्लोजिंग वाला माइनस ओपनिंग वाला, या सीधा सीधा जो पीएनएल के मतलब की चीज है वो लिखूं। आउटर कॉलम में तो यही आना है। ये बताइए ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है? क्लियर है तो मैं चलूं आगे, मुझे बताएंगे सारे बच्चे। सिर्फ स्वयं ने बताया और वरुण ने बताया, ओके है। अच्छा वरुण कुछ पूछ रहे हैं। हाँ वरुण सर, इसकी एडजस्टमेंट तो समझ आती है कि बैलेंस शीट और इफेक्टिव ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाए, सॉरी ट्रेडिंग में कहाँ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज ये नहीं समझ आ रहा कि रेंट 1,20,000 हमारा करंट ईयर का है जो रेंट अकाउंट बनाया हमने। हाँ हाँ, 1,20,000 हमारा करंट ईयर का है जिसमें से 1,10 पेड कर दिया हमने। हाँ हाँ ठीक है, 10,000 ये बैलेंस रह गया और आउटस्टैंडिंग पिछले साल नहीं, नहीं, चल रहा था पहले। नहीं, दस दस बैलेंस नहीं रहा, जो 1,10,000 हमने पे किया ना सबसे पहले वो पुराने में एडजस्ट होगा। अच्छा, जब हम पुराने में एडजस्ट कर देंगे तो रह गया कितना पेड़ का कितना पार्ट है जो करंट ईयर को बिलोंग करता है, करंट ईयर वाला कितना रह गया, 1,10,000 में से 25 तो पुराना रख दिया। हाँ, तो 85 करंट ईयर का माना जाएगा, यानी 1,10 पे भले ही करंट ईयर में हो लेकिन सबसे पहले वो पुराने वाले में एडजस्ट होंगे, यानी कि करंट ईयर के नाम के 1,10 नहीं थे, 85 थे। मतलब आपके कहने का मतलब है जो लास्ट ईयर के हमने पहले पे करने थे वो तो पहले माइनस कर देंगे करंट में से जो हमने पेमेंट कर दी। बिल्कुल हाँ, और जो करंट ईयर के पेमेंट है उसका बैलेंस हमारे पास 85 रह जाएगा। यस वेरी गुड। इससे नेक्स्ट स्टेप है फिर हमारा आउटस्टैंडिंग हमारा 35 हो गया है। बिल्कुल, तब जाके 1,20,000 हमारा पीएनएल में जाएगा, क्योंकि हमें ये तो पता है हमारा खर्चा कितना है साल भर का। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता एट लास्ट हमारा, हाँ एट लास्ट हमारा 120 बैलेंस रह जाएगा। 120 तो हमारा पीएनएल फाइनल है, पहले से देखा जाए तो बैलेंस ही फिगर ना 35,000 आएगी, बैलेंस ही फिगर कायदे से 35,000 आएगी, क्योंकि 1,20,000 तो हमारा फाइनल है, पीएनएल में जाना है खर्चा, क्योंकि 10,000 रुपए महीना रेंट है, 1,20,000 तो हमारा फाइनल है, बस देखना है कि आउटस्टैंडिंग निकलता है कि प्रीपेड निकलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट पे, और हेडिंग डाल लीजिए उसका, लिखिए बेटे प्रीपेड एक्सपेंस। और ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, अगली क्लास में करेंगे। तो अभी क्या है कि ये वाली क्लास तो मैं अभी यहीं पे रोकूंगा, ठीक है, बाकी हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो मैं क्लास यहीं पे रोक देता हूँ।